ये मंदिर भी बहुत प्राचीन है और बहुत मान्यते हैं भाई। आज हमारी राइड के साथ में एडवेंचर भी हो रहा है, जिनको एडवेंचर करना है तो आप आए यहाँ पर। और हमने जाना है फ्रेंड्स, वो जो आप देख रहे हैं ऊपर वाली चोटी, उस चोटी पर है मंदिर, वहाँ पर जाना है। सबसे ज़्यादा खुश पता कौन हुआ? रंजीत। आपको ये नहीं पता होगा, वैसे पता तो हमें भी नहीं था, तो वो भी चीज़ हमें यहीं आके पता चली है कि इस झील में पता नहीं कितना सोना चांदी मिलेगा आपको। भाई साहब आज तो तगड़े वाला ये एडवेंचर हो गया। तो फ्रेंड्स जंजैहली जाने से पहले एक रास्ता ऊपर की तरफ कटा, सबसे पहले अब हम जा रहे हैं कमरू नाग जी के मंदिर। तो ये मंदिर भी बहुत प्राचीन है और बहुत मान्यते हैं भाई। आज हमारी राइड के साथ में एडवेंचर भी हो रहा है। रास्ते इतने ख़राब है भाई साहब, तो ये तो भाई एडवेंचर से कम नहीं हुआ हमारा आज का दिन। और ऐसा नहीं है कि कच्चा रास्ता है कि थोड़ा प्लेन है, कच्चा रास्ता वो भी चढ़ाई वाला। तो फ्रेंड्स रास्ता देख सकते हैं आप, जिनको एडवेंचर करना है तो आप आए यहाँ पर, लेकिन बारिश में ना आए। श्री देव कमरू नाग, स्वागत है आपका फ्रेंड्स, पहुँच ही गए। तो फ्रेंड्स फाइनली अब हमने अपनी बाइक को लगा दिया है साइड पे, और यहाँ से जो है पैदल का रास्ता है। तो चलिए फ्रेंड्स आपको रास्ता दिखाते हैं, ट्रैक दिखाते हैं। तो ये यहाँ पर देवता हैं जिन्हें कमरू नाग जी बोला जाता है, और कोई रोड नहीं है, सिर्फ यही रास्ता है ऊपर आने के लिए और नीचे जाने के लिए। रास्ते की हालत बहुत बेकार है, बट लेकिन स्टिल यहाँ पे बहुत गाड़ियाँ आई हुई हैं, तो ऐसा जैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये देखिए व्यू, यहाँ से अल्टीमेट व्यू। और हमने जाना है फ्रेंड्स, वो जो आप देख रहे हैं ऊपर वाली चोटी, उस चोटी पर है मंदिर, वहाँ पर जाना है। तो 4 किलोमीटर का ट्रैक है, नियर अबाउट 2-1 घंटे या 1.5 घंटा तो लगेगा। यहाँ पे तो लग गई है वाट, चढ़ाई बड़ी खतरनाक है। ट्रैक आप देख सकते हो, तो ये देखिए ट्रैक, एक मंदिर का रास्ता पीछे से भी है, कहते हैं वहाँ तक गाड़ी आती है। बट हमारा तो अच्छा एडवेंचर हो गया। तो वैसे तो दोनों तरफ से लोग आए हुए हैं, मैंने आपको दिखा था नीचे गाड़ियाँ बाइक्स वगैरह भी खड़ी हैं, कुछ लोग वहाँ से भी आते हैं। बाकी जब हम ऊपर पहुँच जाएंगे तो वहाँ से भी मैं आपको रास्ता बताऊँगा या बताने की कोशिश करूँगा, अगर मुझे पता चलेगा कि अगर आपको बाय रोड आना है तो आप कैसे आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप आते हो तो अपना हाइड्रेशन पानी लेकर आएं, क्योंकि हमारे पास अभी पानी नहीं है और लगी हुई है प्यास, और यहाँ पर कहीं भी पानी नहीं मिलेगा आपको। और एक और बात, अगर आप कोई भी लोकल से कंफर्म करते हो कि ये जगह कहाँ पर है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 3-4 लोकल लोगों से पूछो, क्योंकि हमें रास्ते में 2-3 लोकल मिले और हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग व्यू, ये रास्ता वहाँ से था जी, ये रास्ता यहाँ से था, तो इस चीज़ का भी आप देखें। तो फ्रेंड्स हमें मिल गई रास्ते में कार, क्योंकि ये रूट हमारा बड़ा है तो पैदल जाएंगे तो लेट हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा खुश पता कौन हुआ? रंजीत। तो भाई साहब उस गाड़ी की मदद से हम यहाँ तक आ गए हैं, लेकिन यहाँ से आपको पैदल ही चलना है नियर अबाउट 800-900 मीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ से मंदिर में जाने का ट्रैक स्टार्ट हो जाता है, जय कमरू नाग देवता जी। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको इस पॉइंट तक और ऊपर गाड़ी तक आना है तो देवीगढ़ करके एक जगह है, वही जंजैहली वाली तरफ से ही रास्ता है वो,
तो वहाँ से रास्ता ऊपर है, लेकिन रोड वैसी है जैसे आपने देखा था जो हमने आपको बाइक के दौरान दिखाया था, रास्ता वैसा ही है। लेकिन यह है कि आप ऊपर तक आ सकते हो, लेकिन यहाँ से आप ऊपर मंदिर तक का जो रास्ता है वो पैदल का ही है। अब ये देख सकते हैं टोटली जंगल है। तो फ्रेंड्स मंदिर हम पहुँच गए हैं, तो आप देख सकते हैं कितने शांत वातावरण है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये जो आप तालाब देख रहे हैं, तो अभी लोकल पर्सन से हमने इस तालाब के बारे में पूछा कि ये यहाँ पे क्यों बना हुआ है। तो फ्रेंड्स वैसे तो ये सारी जगह जो है ये दलदल पे ही बनी हुई है, कुछ ऐसा लोकल लोग का कहना था। और दूसरा, इस तालाब में लोग सोना चांदी पैसे चढ़ाते हैं। तो ठीक बिल्कुल सामने मंदिर है कुछ ये। तो फ्रेंड्स मंदिर के अंदर तो वीडियोग्राफी अलाउड ही थी, माथा वगैरह हमने टेक लिया है। अब हम इस झील की परिक्रमा करेंगे क्योंकि पंडित जी ने बोला कि झील की परिक्रमा करनी है। तो फ्रेंड्स ये जो मंदिर है, ये अभी हमने पंडित जी से पूछा था कि ये मंदिर भी पांडवों ने बनाया है। तो अगर आप हिमाचल में कहीं भी आएंगे तो मैक्सिमम जो मंदिर हैं वो पांडवों के द्वारा ही बनाए गए हैं। और पंडित जी ने बोला था कि सन 1963 में ये मंदिर बना था, उससे पहले यहाँ पे कोई भी ऐसी जगह नहीं थी। अगर आपको रुकना पड़ता था तो पेड़ों के नीचे ही रुकना पड़ता था, क्योंकि अभी तो फिर भी कुछ हद तक रास्ते बन गए हैं। और फ्रेंड्स अगर आप देख रहे हैं ये झील, ये बिल्कुल हरी हुई हुई है, इसमें घास और जो भी काई ये सब जमी हुई है। तो कहते हैं कि सिर्फ सावन के महीने में कोई एक दिन होता है, सावन के टाइम ही यहाँ पे साफ सफाई होती है, एंड थ्रू आउट द ईयर ये ऐसी ही रहती है। फिर आपको ये नहीं पता होगा, वैसे पता तो हमें भी नहीं था, तो वो भी चीज़ हमें यहीं आके पता चली है कि इस झील में पता नहीं कितना सोना चांदी मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लंगर वगैरह भी लगता रहता है, तो हमने यहाँ पे बड़े ही आराम से बैठ के लंगर का सेवन किया। तो फ्रेंड्स इस मंदिर से रिलेटेड बस इतना ही था, और इस मंदिर में बहुत बारी मेला लगता है जो कि देखने लायक है, कभी आप आए तो मेला जरूर देखें। तो फ्रेंड्स निकल पड़े हैं अब हम अपने होटल के लिए। इफ यू लाइक राइडिंग देन राइड कीजिए, बट इफ यू लाइक राइडिंग अलॉन्ग विथ एडवेंचर, तो इससे बड़ा एडवेंचर नहीं आपको मिल सकता। यहाँ पे आपके स्किल्स ही काम आएंगे, एंड सबसे बड़ी बात, और हमारे पास किसी के पास भी कोई भी एडवेंचर बाइक नहीं है। और ये बिल्कुल मेरे सामने है होंडा हाइनेस, मेरे पास है मेटियोर, वो R15, तो तीनों की तीनों बाइक ही किसी भी एंगल में एडवेंचर बाइक नहीं है। लेकिन फिर भी बोला ना, हम हैं खतरों के खिलाड़ी। वैसे तो हम बाय रोड भी अपने होटल तक जा सकते थे, बट हम और एडवेंचर चाहते थे बिकॉज ये दिल मांगे मोर, तो हम जंगल के रास्ते निकल पड़े। भाई साहब आज तो तगड़े वाला ही एडवेंचर हो गया। भाई साहब बिल्कुल जंगल है, जंगल। तो फ्रेंड्स फाइनली हम अपने रूम में पहुंच गए हैं, और रंजीत जी ने तो घराटे भी मैंने स्टार्ट कर दिए। तो मेरी बैटरी रास्ते में बंद हो गई थी, तो इसलिए थोड़ा आगे का रास्ता नहीं दिखा पाया था, बट ऑलमोस्ट आपको सब कुछ मैंने दिखाया, हमारा एडवेंचर दिखाया आपको, कितना खतरनाक एडवेंचर किया आज हमने। लद्दाख तो इसके बराबर कुछ भी नहीं है, जो हमने एडवेंचर किया है लद्दाख इसके बराबर कुछ भी नहीं है। ओ भाई साहब जान हथेली में रख के आए हैं आज तो हम ना एडवेंचर करके, लिटरली बहुत बहुत ज़्यादा ओसम था, मज़ा भी आया, पर लद्दाख से लद्दाख में इतना मज़ा नहीं आया एडवेंचर का जितना यहाँ मज़ा आया है। तो फ्रेंड्स अभी तो लगे हम सोने क्योंकि थक गए हैं, भाई साहब इतनी वाट लगी है हमारी,
एंड अब सुबह उठेंगे तो सुबह सबसे पहले जाएंगे हम शिकारी माता मंदिर, और उसके बाद आगे एक दो जगह और है तो वहाँ पे भी लेके जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बनता है, आपने एडवेंचर तो देखा हमारा। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल सो दैट आपको हमारी आगे की आने वाली वीडियो टाइमली मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग निशमन गच्छा एंटरटेनमेंट।